हेलो दोस्तों, मैं AK सर आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज है 22 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 22 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किया है, यानी घर घर रोजगार देने की बात है। ये आपके पंजाब सरकार ने ये घोषणा किया है कि घर घर रोजगार देने की बात कही है। खासकर जिला लेवल या प्रखंड लेवल पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद लोगों को ये रोजगार देने की शुरुआत की जाएगी। कहाँ से? पंजाब से। तो पंजाब के हमारे कैप्टन जो जो आपके यहाँ के CM है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या है, अमरेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया है। और ये जो हमारा पंजाब जो है, ये पाकिस्तान से सटा हुआ मेरा राज्य है। और इस पाकिस्तान सॉरी ये पंजाब की राजधानी कहाँ है आपको, आपको चंडीगढ़ है। और यहाँ पे अभी हाल ही में आपके यहाँ के CM अमरिंदर सिंह के द्वारा घोषणा किया गया था कि हम लोग सरकारी नौकरी में, यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आपको 33% रिजर्व सीट कर दिया गया है। यानी आरक्षित सीटों की संख्या कितने कर दी गई है, 33% रिजर्व सीटों की संख्या कर दी गई है पंजाब में सरकार के द्वारा। और ऑप्शन में देखते हैं केरल, तो केरल के हमारे CM है पिनेरी विजयन है। और यहाँ पर हाल ही में आपको लाइफ साइंस पार्क की स्थापना किया गया है, यानी लाइफ साइंस पार्क की स्थापना यहाँ हाल ही पर किया गया। और यहाँ पर समुद्री एम्बुलेंस एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत किया गया। और हमारा साक्षरता दर का जो रिपोर्ट आया उसमें केरल जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या है, राज्य है केरल। या लिंगा अनुपात में भी सबसे बेहतर लिंगा अनुपात किस राज्य का है, तो केरल का सर्वाधिक लिंगा अनुपात केरल का है। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। देखिए, असम के हमारे CM है सर्वानंद सोनोवाल। यहाँ पर किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई है, यानी किसान रथ मोबाइल ऐप अभी हाल ही में शुरू किया गया था। और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था। और ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण परिवहन अचौनी योजना की शुरुआत ही हाल ही में असम में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल ट्यूबर कोलोसिस रिपोर्ट 2020। तो ये ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट है, ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरिया का नाम है। और ये इसी के तो इस संस्था का भी एक नाम रखा गया जो रिपोर्ट जारी किया है 2020 में कि कौन सा देश है जो टीबी से सर्वाधिक पीड़ित है, जहां पर टीबी के मरीज ज्यादा हैं। तो वह आपका है पहले स्थान पर है आपका अपना ही इंडिया, यानी भारत का है पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर चीन है जो मेरा पड़ोसी है। और तीसरे नंबर पर क्या है, इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में, दूसरे का स्थान पर चीन, उसके बाद इंडोनेशिया में। और किसके अनुसार, तो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार। देखिए, टीबी बीमारी को हम लोग अपने यहाँ कई नामों से जानते हैं। इसे तपेदिक रोग कहते हैं और इसे हम लोग याचमा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याचमा रोग। ये होता है बैक्टीरिया से, क्या होता है, बैक्टीरिया से। और उसकी बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाम है माइक्रो, क्या नाम है, माइक्रो ट्यूबर कोलोसिस जीवाणु। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बायोलॉजी का एक प्रश्न है, डिजीज में आपको ये प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। और याद रखेंगे इससे प्रभावित अंग यानी शरीर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा आपको लंग्स यानी फेफड़ा। उसके अलावा लीवर है यानी यकृत को क्या करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो फेफड़ा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कौन सा रोग में, तो टीबी रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, भारत सबसे ज्यादा क्या है, पीड़ित है।
देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मलबार नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। तो मलबार जो क्षेत्र जो है ये आप देख रहे हैं केरल के, तो यहीं पर अरब सागर में पहले ये तीन देश जो है भारत, अमेरिका और जापान यहाँ पर नौसेना अभ्यास करके अपनी समुद्री ताकत को दिखाता है। खासकर भारत और चाइना के बीच बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जो क्वाइड ग्रुप बनाया है, उस क्वाइड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी है, जो उसको भी इस साल शामिल किया जाएगा इस नौसेना अभ्यास में, यानी जिसे हम लोग मलबार नौसेना अभ्यास कहते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस साल शामिल होगा। तो इसको याद रखेंगे, मलबार नौसेना में अब चार देश शामिल होगा, यानी कहने का मतलब याद रखेंगे क्वाड समूह, यानी क्वाड समूह में चार देश हैं, वो चारों देश अपनी समुद्री ताकत दिखाने के लिए मलबार नौसेना अभ्यास करेंगे। देखिए क्वाड ग्रुप की शुरुआत हुई थी लगभग 2007 में, आपको जापान के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, यही इनकी शुरुआत किया गया, लेकिन हाल ही में आपको जापान की राजधानी टोक्यो में आपको क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर शामिल थे, जबकि वर्तमान में अभी क्वाइंट ग्रुप का मलबार नौसेना अभ्यास होने जा रहा है भारत में, और वर्तमान जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशी हुडा सुंगा, याद रखें क्योंकि शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद बने हैं योशी हुडा सिंगा बने हैं, सुगा बोलते हैं उसको, तो याद रखेंगे। अब याद रखेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच भी नौसेना अभ्यास हुआ अभी हाल ही में, तो संप्रीत नौसेना अभ्यास हुआ बंगासोर बंगाल की खाड़ी में हुआ था, और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि एशियाई प्रशांत पावर इंडेक्स, यानी एशियाई प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो कहने का मतलब एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा देश जो ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये 26 देशों पर एक सर्वे किया गया है, आपको ऑस्ट्रेलिया का एक संस्था है जिसका नाम है, इसको याद रखें थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट, यानी थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो सर्वे किया गया है, उसमें बताया गया है कि एशियाई प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें सबसे शक्तिशाली देश जो है वो उसको कहा गया है यूएसए को, यानी अमेरिका को सबसे शक्तिशाली बताया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका पड़ोसी चीन ही है, और तीसरे स्थान पर आपको जापान है, जबकि चौथे स्थान पर आपका भारत है, यानी कह सकते हैं कि एशियाई प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, चौथे स्थान पर है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ग्राहकों के लिए मोबाइल विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है, तो मोबाइल विद्युत पोर्टल लॉन्च करने का लक्ष्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर जाके आसानी से बिजली कनेक्शन कर सकता है, बिजली बिल का भुगतान कर सकता है, या अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है, यानी मोबाइल विद्युत पोर्टल ऐप से। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने, किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा ने ये लॉन्च किया है, और उड़ीसा के जो हमारे सीएम है कौन है, नवीन पटनायक, तो इन्हीं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है विद्युत पोर्टल, तो इसको याद रखेंगे। और यहां से याद रखेंगे हाल ही में यहां पर मिसाइल से संबंधित बहुत से मिसाइलों का परीक्षण हुआ था, जिसमें आप नाम सुनते होंगे ब्रह्मोस हो, पृथ्वी 2 का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था, इसके अलावा आपको सौर या मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हो, रुद्रम 2 मिसाइल हो, या निर्भया मिसाइल हो, ये सबका परीक्षण यहाँ हाल ही में किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था 3-4 रोज पहले INS चेन्नई पर किया गया था, INS चेन्नई जो है ये आपको नौसेना की जहाज है, जो इसका अरब सागर में परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था, और जबकि इससे पहले ब्रह्मोस का जो 450 किलोमीटर के रेंज का था जो मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया था, और 250 रेंज का मिसाइल का परीक्षण हाल ही में INS चेन्नई जहाज पर किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था, और
मार्च 2022 तक हर घर जल पहुंचाने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन क्या है, तो ये जल से संबंधित है और किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कृषक बंधु योजना की शुरुआत किया गया किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए। उसके अलावा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू किया गया पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में यहाँ पथश्री योजना शुरू किया गया था सड़कों की मरम्मत के लिए, और यहाँ के जो हमारे सीएम है ममता बनर्जी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेंगे। तो ये आपके असम में किया गया है। हमारे नितिन गडकरी जो है वो परिवहन मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और असम के हमारे सीएम है सर्वानंद सोनोवाल। कौन है? सर्वानंद सोनोवाल है, जबकि यहाँ के आपके गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ पर किसानों के लिए अभी हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसके तहत किसान अपने सब्जी या अनाज को आसानी से बेच सके इस ऐप के माध्यम से, इसलिए लॉन्च किया गया था किसान रथ मोबाइल ऐप। और इस कोरोना काल में जब पर्यटन में जो उसकी विकास रुक गई थी उसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यहाँ पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था। तो पर्यटन संजीवनी योजना, देखिए ऐसे आप करेंट अफेयर्स करिए, जब एक राज्य का कोई प्रश्न आए तो उसे संबंधित जितने भी नया तत्काल जो घटनाएं हुई है उसको ऐड करके रखेंगे तो जिसे ज्यादा याद रहेगा आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। जैसे हमने बोला असम, तो असम से अभी जो करेंट बताया उसके साथ जितने भी करेंट अफेयर्स है उसको अपने कॉपी में नोट कर ले, और उससे फायदा ये होगा कि जब भी असम से आए तो पूरे एक सिक्वेंस बना ले, तो इससे क्या होगा था ज्यादा याद रहता है। इसीलिए हमने जब प्रश्न आता है तो दो चार जो नया रहता है उसको पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में आपको नेचपुर पुल का उद्घाटन किए थे हमारे राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है नेचुफू जो आपको पुल है जिसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में कौन किए थे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। क्योंकि सीमा सड़क संगठन के द्वारा आपको 44 पुलों का निर्माण किया जा रहा है, और उस 44 पुलों में से कुछ पुल अरुणाचल प्रदेश में भी है जिसका एक पुल का उद्घाटन किए थे अभी हाल ही में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत के पहले क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की बात कही है यानी लॉन्च किया है। तो ये हमारे नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, खासकर कृषि स्वास्थ्य के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये समझौता किया है। किससे? अवेजन वेब सीरीज से। किसे? अवेजन वेब सीरीज से। और नीति आयोग जो है हमारे यहाँ क्या है, एक संस्था है नीति आयोग। तो नीति आयोग याद रहेंगे, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, क्योंकि नीति आयोग से पहले क्या था आपको योजना आयोग था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका उपाध्यक्ष जो होते हैं वो इसके कार्य प्रणाली को मुख्य रूप से देखते हैं। तो उपाध्यक्ष जो है अमिताभ कांत है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसमें भारत कितने स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। अब रहा बात इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी प्रवासियन आउटलुक जो रिपोर्ट आया है ये जारी करता है OECD। कौन जारी करता है? OECD, यानी ओ के मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसे हिंदी में कहेंगे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन।
क्या नाम है? विकास संगठन। तो याद रखेंगे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो याद रखेंगे OECD, शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है। यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नाम है, और इस संस्था के अध्यक्ष जो है उसका नाम है एंजल गुरिया। क्या नाम है? एंजल गुरिया जो है OECD की अध्यक्ष है। OECD का हेडक्वार्टर जो है आपको पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका अध्यक्ष एंजल गुरिया है। मुख्य रूप से OECD का काम होता है जितने भी उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रिया, उससे निकलने वाली जो आपको प्रदूषण होती है, उसे प्रदूषण के रिपोर्ट को तैयार करना, उसी के लिए भारत के डॉक्टर एकता कपूर को OECD का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखेंगे OECD के उपाध्यक्ष कौन है? तो भारत के ही है, डॉक्टर एकता कपूर। कौन है? डॉक्टर एकता कपूर है। तो याद रखेंगे। अब प्रश्न पूछा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है दूसरा। तो पहला स्थान पर क्या है? चीन है। पहला स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर रोमानिया है। तीसरे स्थान पर कौन है? रोमानिया। तो याद रखेंगे चीन पहले स्थान पर, और द्वितीय स्थान पर भारत, और तीसरे स्थान पर रोमानिया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ी जास्ता गलाने का वाली परियोजना स्थापित की है? यानी जास्ता ने जिंक को जलाने वाली सबसे बड़ी परियोजना स्थापित किया है गुजरात ने। कौन स्थापित किया है? तो गुजरात ने इसे स्थापित किया है। तो इसको याद रखेंगे। और यहां पर हाल ही में अब समुद्री विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। यानी समुद्री विमान सेवा की शुरुआत होगी आपको 31 अक्टूबर 2020 को, यानी एकता दिवस के दिन ये शुरू होगी। और यहां पर आपको डिजिटल सेवा सेतु ऐप अभी शुरू किया गया था। डिजिटल सेवा सेतु, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय यहीं पर बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात के जो हमारे सीएम है आपको विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा के हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पर पानी की यानी वाटर की क्वालिटी को जांच करने के लिए हर घर यानी हर गांव आपको मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत किए थे। मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत किया गया था हरियाणा के सरकार के द्वारा हाल ही में। और पंजाब सरकार के बारे में अभी चर्चा की है। यहाँ हाल ही में आपको सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट कर दिया गया है, और हर घर रोजगार देने की शुरुआत किया गया। गोवा जो देश का पहला राज्य है जहां पे उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी के शिक्षाओं के लिए एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय यू ट्यूब चैनल लॉन्च किया है। और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, और हर घर जल पहुंचाने वाला देश का ये पहला राज्य है। कौन है? गोवा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि नासा किस कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर पहले 4G, यानी 4G मतलब फोर्थ जनरेशन सेल का निर्माण करेगा। तो ये आपको नोकिया के साथ मिलकर निर्माण करेगा। ये लक्ष्य है 2024 तक, यानी जो मानव के लिए भेजने की भेजा गया पहली बार, तो ये अपोलो 11 से भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिन जो गए थे वो कहां से गए थे? आपको अमेरिका से ही गए थे। अमेरिका के अंतरिक्ष संस्था का नाम ही है नासा। तो पहले मानव को भेजने वाला भी देश कौन है? वह अमेरिका ही है। और 2030 में एक लक्ष्य है कि वहां पर घर बसाया जाए। क्या बसाया जाए? घर बसाया जाए। तो पहले वहां पर 4G नेटवर्क की भी व्यवस्था किया जाए। तो इसकी किसके साथ समझौता किया है? तो नोकिया के साथ समझौता किया है। तो नासा है जो अमेरिका के क्या है, एक स्पेस सेंटर का नाम है, इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। और
आपसे एक ये बात कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।